नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में भारतीय ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से रौंद दिया है और इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने कई तगड़े रिकॉर्ड बना दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, टीम इंडिया की जीत में 5 ऐसे खिलाड़ी रहे जिनकी वजह से टीम इंडिया ये जीत दर्ज कर पाई है। अगर ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन ना करते तो टीम इंडिया बुरी तरह से हार जाती। तो आखिर कौन से वो 5 जीत के बड़े हीरो बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो जरा से भी पसंद आया तो लाइक जरूर करेगा और साथ ही कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि क्या आप टीम इंडिया के जीत से खुश हैं। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को लगातार 8वीं बार धूल चटाई है। बड़ी बाउंड्री, खतरनाक तेज गेंदबाजी आक्रमण और बाबर आजम की बल्लेबाजी का हवा बौना साबित हुआ। भारतीय ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी का ऐसा अनोखा संगम दिखाया कि दुनिया भर में मौजूद 1.5 अरब से ज्यादा भारतीयों का सीना एक बार फिर से गर्व से चौड़ा हो गया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले पाकिस्तान को 42.5 ओवर में 191 रनों पर ढेर कर दिया और बाद में रोहित शर्मा की 86 और सुरेश अय्यर की नाबाद 53 रन के अर्धशतक की मदद से 30.3 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल कर लिए। भारत की जीत में वैसे भी सभी 11 खिलाड़ियों ने अपना अपना योगदान दिया, लेकिन 5 खिलाड़ियों ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया। दोस्तों, अगर ये 5 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन न करते तो टीम इंडिया के लिए जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। बात करते हैं दोस्तों उन 5 खिलाड़ियों की जिनकी वजह से टीम इंडिया इस मुकाबले में जीत दर्ज कर पाई है। तो पहला नाम आता है दोस्तों जसप्रीत बुमराह का। यहां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत स्विंग के प्रयास में थोड़ी लूज गेंदबाजी करते दिखे थे और वहीं इसके बाद उन्होंने पिच की मिजाज को समझा और दूसरे स्पेल में उन्होंने मोहम्मद रिजवान को एक जबरदस्त स्लो गेंद से आउट कर दिया और फिर शादाब खान को बेहतरीन गेंद से क्लीन बोर्ड किया। इस स्पेल ने पूरी तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। इसके अलावा दोस्तों दूसरा नाम आता है कुलदीप यादव का। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भले ही उन्हें नहीं मिला हो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ वह भारत के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज रहे। बाएं हाथ के रेस स्पिनर कुलदीप यादव ने गति और लाइन लेंथ में परिवर्तन करते हुए बल्लेबाजों को झुकाया। उन्होंने 1 ओवर में 2 विकेट निकाले। कुलदीप ने 10 ओवर में मात्र 35 रन दिए और 2 विकेट चटकाए और कुलदीप की गेंदबाजी लाजवाब रही। इसके अलावा दोस्तों तीसरे खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद सिराज। जी हां दोस्तों, सिराज की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन कप्तान रोहित ने उन पर भरोसा जताया। सिराज भरोसे पर खड़े उतरे और अब्दुल्ला सफीक का विकेट निकाला। बाद में उन्होंने बड़ी साझेदारी तोड़ने के लिए गेंद थमाई और बाबर का विकेट निकालकर पूरी ही बाजी पलट दी। जी हां दोस्तों, ऐसे भारतीय बॉलर से यहां पर पूरी बाजी पलटी और मात्र पूरी पाकिस्तान टीम को 199 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। जिसके बाद दोस्तों बारी थी टीम इंडिया के बल्लेबाजों की और यहां पर भी 2 खिलाड़ियों ने कमाल प्रदर्शन किया। अगर ये 2 खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन ना करते तो टीम इंडिया के लिए जीत और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। दोस्तों पहला नाम है कप्तान रोहित शर्मा का। जी हां दोस्तों, यहां पर मतलब चौथे खिलाड़ी हैं कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान रोहित शर्मा ने एक मिसाल पेश करते हुए टीम लीड करने के मौके को बिल्कुल नहीं गवाया है। उन्होंने बल्ले से हर पाकिस्तानी गेंदबाज की खूब पिटाई की, गेंदबाजों के आत्मविश्वास को चकनाचूर कर दिया। इसके अलावा उनकी कप्तानी भी बढ़िया रही। उन्होंने मिडिल ओवर्स में स्पिन और तेज गेंदबाज में लगातार बदलाव किए और विकेट भी निकाले और उन्होंने टीम को एकदम फ्रंट से लीड किया और जिसकी वजह से टीम इंडिया इस जीत को हासिल कर पाई और रोहित शर्मा का खासा प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन। रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों यहां पर 86 रन की पारी खेली और इसमें 6 चौके और 6 छक्के जड़े। रोहित की इस पारी को देखकर टीम इंडिया गर्व से कह सकती है कि वह वर्ल्ड कप जीतने के लिए इस बार बिल्कुल तैयार है और दोस्तों उम्मीद यही है कि इस बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप घर जरूर लेकर आएगी और इस बार कई सालों बाद टीम इंडिया का वर्ल्ड कप का सूखा खत्म होगा और टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। बात की जाए दोस्तों अगले खिलाड़ी के नंबर 5 पर नाम आता है टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सुरेश अय्यर का। जी हां दोस्तों, सुरेश अय्यर शुरुआत में हारिस राव की गेंदबाजी के खिलाफ असहज दिखे, लेकिन उन्होंने डटकर शॉट गेंदबाजी को खेला। हालांकि किस्मत भी उनके साथ रही, इसके बाद उन्हें अच्छे विश्वास से बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। सुरेश ने रोहित के साथ साझेदारी भी बनाई। दोस्तों सुरेश अय्यर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कई अच्छे शॉट लगाए और यहां पर नाबाद 53 रन की पारी खेली। पहले मुकाबले में भले वो फ्लॉप रहे थे, लेकिन यहां पर उन्होंने जिस तरह का कमाल दिखाया उस तरीके से बता दिया है कि टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी अब कमजोर नहीं है और हर जगह पर टीम इंडिया बिल्कुल मजबूत है और इस वर्ल्ड कप की दावेदारी में टीम इंडिया के आगे और कोई नहीं है और टीम इंडिया वही टीम है जिस बार 2023 का वनडे वर्ल्ड कप अपने घर ले जाने वाली है। इन दोस्तों खतरनाक खिलाड़ियों के खतरनाक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया के हौसले और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। साथ साथ दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा ने भी कह दिया है कि इस बार भारतीय टीम को कोई भी नहीं हरा सकता है, फिर वही वो नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया हो फिर चाहे पाकिस्तान की टीम हो, कोई भी टीम यहां पर इस बार पाकिस्तान को नहीं भारतीय टीम को नहीं हराने वाली है। इस बार भारतीय टीम पूरी तरह से मन बना चुकी है और टीम
इंडिया एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उनके खिलाड़ी भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शानदार पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ रोहित मैन का बल्ला ऐसा बोला कि पूरी पाकिस्तान टीम की धज्जियां उड़ाकर ही रख दी। सही साथ दोस्तों आपको बता दें कि कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में भले ही विश्व कप का अपना 8वां शतक जड़ने से चूक गए हो, लेकिन कप्तान रोहित ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 86 रन की आतिशी पारी खेली और भारत की जीत में अहम योगदान दिया। इस दौरान उन्होंने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है। जहां दोस्तों साल 2019 में विराट कोहली ने बतौर कप्तान मैनचेस्टर में पाकिस्तान के खिलाफ 77 रन की पारी खेली थी, वहीं रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप में 77 से ज्यादा रन बनाकर उन्हें पीछे छोड़ दिया है। रोहित ने बतौर भारतीय कप्तान विश्व कप में पाक के खिलाफ 86 रन बनाए, जो कि अब तक सबसे ज्यादा स्कोर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक की पारी खेलकर खास मामले में सचिन तेंदुलकर को भी पछाड़ दिया है। रोहित वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से अब रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के नाम अब 7 अर्धशतक दर्ज हो गए हैं, जबकि सचिन ने 6 अर्धशतक जमाए थे। इस मामले में MS धोनी भी उनसे पीछे हैं और रोहित ने इस बार दोस्तों पक्का कर दिया है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप का ये मुकाबला जरूर जीतने वाली है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा टीम इंडिया का प्रदर्शन और आपके लिए सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन सा है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।